संजय मिश्रा फ्रॉम नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। जैसे कि जॉन ने कहा कि टीम में प्रोड्यूसर का बहुत महत्व होता है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी जर्नी इस समय जब मैं देख रहा हूँ आपकी फिल्में जो आ रही हैं बहुत अलग तरीके से, अगर मैं कुछ शब्दों में इस जर्नी को आपको बोलूँ कि आप बताएं या कैसे क्या कहेंगे, तो वो कौन से शब्द होंगे? वैसे तो टेक्निकली बोलेंगे तो इन लोगों की जर्नी होती है, प्रोड्यूसर की कोई जर्नी नहीं होती है, सिर्फ खर्च करना होता है। क्योंकि इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता जितने इन लोगों ने मेहनत करी है। हर पिक्चर पे इतनी मेहनत लगती है, ये देख के ऐसा लगता है अच्छा इतनी मेहनत लोग कर सकते हैं। और जॉन जी ने जो टीम बनाई है, और मेरे को लगता है इसमें 3.5 साल हो गए होंगे मतलब ये फिल्म के बनने में, उसी लिए इतनी अच्छी बनी है ये फिल्म। क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी हो, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी फिल्म बने, जल्दी से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि VFX CGI वालों को टाइम देते नहीं हैं और रिलीज डेट आ जाती है। तो इस फिल्म में वो फ़ायदा हुआ है कि VFX CGI वालों को बहुत टाइम मिला और जॉन जी ने एक्सेप्ट किया कि हर एक सीन पर उतना काम किया जाए। और मतलब टीम तो जॉन जी की बोल सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। एक और सवाल, आपका सक्सेस हम देख रहे हैं और आपके साथ हैं, लेकिन वो जो कभी कभी वो जो दर्द और तकलीफ होती है जब आप आगे बढ़ रहे थे और आपको तब खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी, अगर वो एक घटना जो आप कभी नहीं भूलेंगे और वो कोई भी नहीं जानता कि बहुत मुश्किल हो, आज आपके पास सब फिल्में लेकर आ रहे हैं और वो समय जब नहीं ला रहे थे, आपको जाना पड़ रहा था। नहीं, लाइफ में सबके पास अप एंड डाउन आते हैं, और पैसों के साथ तो वैसे ही खेलना होता है तो बहुत अप एंड डाउन आती है। मेरी टीम बहुत मजबूत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फिल्म में हमारी दो टीम जुड़ी है, पेन मरुदर भी जुड़ा है और फैमुलस भी जुड़ा है, वो दोनों भी हमारी टीम है। ऐसे बहुत कम होता है कि पूरी टीम एक साथ हमारी फिल्म में जुड़े। जो आप बोल रहे हैं कि अप एंड डाउन की बात, तो मुझे आज बोलने में बहुत खुशी होगी कि मैं भी फोटोग्राफर था आपकी तरह, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं शादी के फोटो ही निकाला करता था, और तो बहुत टाइम लगता था वापस, मतलब 8-10 दिन के बाद वो धुल के आते थे, वो सब टाइम देखा है। फिर वीडियो लाइब्रेरी से ये जर्नी स्टार्ट करी, और जिनकी 10 रुपये में कैसेट हम लोग रेंटल देते थे, आज उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। जॉन, मेरा सवाल आपसे, द ट्रेलर लुक अमेजिंग, और हम जितने भी सब लोग यहाँ बैठे हैं हमें लगता है कि हॉलीवुड का फील आ रहा है। मैंने कहीं नोटिस किया द स्टोरी इज रिटन बाय यू, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, कहानी आपने लिखी है ऐसा मुझे एहसास हुआ ट्रेलर देखने के टाइम पे, कहीं लिख के आया था? आई थिंक या इट्स अ स्टोरी दैट्स बीन कंसेप्चुअलाइज्ड बाय बोथ लक्ष्य एंड मी। हम लोग रूम में बैठ के आई थिंक हमनी मंथ्स इयर्स वी स्पेंड टुगेदर, हमने सोचा कि क्या बनाए कैसे बनाए, एंड वी केम अपॉन दिस स्टोरी टुगेदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, व्हेन आई गॉट द क्रेडिट आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड यस, ये आइडिया जो है वो लक्ष्य का भी है, वो मेरा भी है, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूनिक। अच्छा, जब मैं ट्रेलर देखता हूँ या हम कोई भी ट्रेलर देखते हैं, मैं बहुत हॉलीवुड की फील आती, इतना अमेजिंग, इतना अप टू द मार्क लगता है, कहीं ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम कोई इंडियन फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, लगता है किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। आप किस फिल्म से इंस्पायर हुए? जब मैं स्टोरी की बात करता हूँ, यू नो वी हैव सीन ट्रू लाइज, वी हैव सीन टर्मिनेटर, कौन सी ऐसी फिल्म है जिससे आप इंस्पायर हुए, यार ऐसा कुछ करना चाहिए जो इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा है और सिर्फ हॉलीवुड फिल्म का ही के माध्यम से उन्हें पता चला है? नहीं, मेरा ये बहुत सिंपल है कि अगर हॉलीवुड कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। सिंपल। सो माई थिंग इज के हमारे आगे हमेशा ये ऑब्स्टिकल होता है कि हमारे बजट्स बहुत कम होते हैं एक्सेट्रा, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि हमारे बजट्स इतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब इट वॉजन दैट ग्रेट अ बजट, बट लेकिन जितना भी दिया गया हमें, आई थिंक वी मेड अ फैंटास्टिक दिस। तो हमारा जो इंस्पिरेशन ये था कि वी फ्रॉम इंडिया, हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए वेयर द वर्ल्ड कैन सी एंड से नहीं यार, इंडिया में भी ऐसी फिल्म बनती है, इंडिया में भी ऐसे एक्शन हीरोज है, इंडिया में भी ऐसे सुपर हीरोज है, सुपर सोल्जर्स है, जो शायद लाइक आई से दे डोंट वेयर देयर अंडरवेयर आउटसाइड देयर पैंट्स, बट दे आर सुपर सोल्जर्स एंड दे फाइट फॉर द कंट्री। तो अगर वहाँ पे आप जैसे आपने कहा अवेंजर्स देखे या व्हाइट हाउस डाउन, ऑल दीज फिल्म्स यू सी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एंड अटैक इज एन आंसर टू दैट।
रकुल, गुड टू सी यू. दूसरे दिन लगातार मुलाकात हो रही है आपसे. हाउ डू यू मैनेज टू यू नो प्ले डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट पार्ट इन डिफरेंट फिल्म्स? कैसे कर लेती हैं आप? और सीरियसली, द ट्रेलर लुक वेरी वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक that's just compartmentalizing when you're doing a different role and you're obviously doing it on different times. So jab aap ek film mein hain aur aap ek character ke sath hain to aap wo shoot khatam karte hain. Ye abhi aisa lag raha hai ki ye kaise ho raha hai kyunki ye sari filmein sath mein aayengi, but jab aap ek film pe kaam karte hain tab aap us character ke andar hote hain and then obviously you disconnect and then you create another character. But I hope ki jab aap filmein dekhein to aapko wo difference dikhe and I hope you like it. John, hello sir, here from Midday. First of all, fantastic trailer. The best thing about Attack is the poster. We see Jacqueline Fernandez, Rakul Preet Singh, and then John Ibrahim. We don't have too many films where an actress's name appears before an actor's, and you have taken this stand. So can we see this as a regular practice, at least from your side? Well, I think it was a conscious decision, and I think my, as a producer, my actors are very precious to me, and Jacqueline and Rakul are very, very precious to me. So they deserve for their names to be before mine. So I don't know whether it can become a practice, but in my case, it'll always be a practice. And talking about the poster, I'd like to, one person I didn't call on stage because I didn't see him around is Rajiv, who has actually designed these posters. Rajiv, are you in the house? He's not here, but Rajiv from Marching Ants has designed these posters. And he's done a fantastic job with these. So, you know, even placing these, it's a big hand to Rajiv. And Jacqueline, this is your fourth film with John. You have done Houseful, Race, Dishoom. So how much do you feel you both have evolved as actors in these last 10 years? Well, they've all been hits. They've all been successful. And I think the energy is just so important when you're working with somebody. And somehow, now because we've done so many films together, it's so natural. And just to work with him, just to do scenes with him, it just comes very naturally. It comes very, it's a great energy. And of course, like, this is the first film with you as also my producer. So I have to say it's an even better experience. John, towards your left, hi. Firstly, congratulations. This looks spectacular, the trailer. Thanks, buddy. Thank you. You know, my question to you is, you were talking about budgets and as to how, you know, we have limitations of budget. So how is it to pull off such a scale on such limited budget? So I think, honestly, I give credit to Laksh. Laksh, my director, he's a very talented young boy. Problem is, he knows it. But he's very, very talented. And we actually did have limitations on budgets because production is also a business, and Jayanti Bhai will tell you this, it's a business. So you look at recovery, etc. But I think, which is why I call the entire team up, because if it wasn't for people like Suchit, Subrato, Bishwadeep Da, you know, and Dheera, and the entire team sitting here, actually, if it wasn't for the contribution of each one of them, I don't think we would have got it in contained budgets. There were times when Suchit came to me and he said, John, we're really going over. We're going over. And Suchit, correct me if I'm wrong. And I said, but, second wave of COVID hit, my budgets are cut. How do I do it? But we used to sit, we used to work it out, and we used to shake hands, and we've got a fantastic product. So I think it's all about teamwork. It's all about a team wins a match when all 11 players play well, not when one player plays well. So I think in us, it's that teamwork of all our players together. So I can't credit any one of us individually. It's all of us together. Thank you. And I have another question for Jayanti, sir. So, you know, you have RRR releasing on 25th and Attack on 1st April. How do you plan to divide the screens between these two films? It's all Sanjay Mal. Her film ki apni kismat hai. RRR ki apni kismat hai. Attack ki apni kismat hai. Aur ऐसे जो पेन बरूजर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, संजय जी पूरा उसका भार लेते हैं, और उन्होंने पहले ही प्लान किया कि वो फिल्म हम लोग ने 1 अप्रैल को पहले डिसाइड किया था कि ये 1 अप्रैल को आ रही है. आरआरआर की डेट ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत बारी ऊपर नीचे हुई, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टनर हैं. ये फिल्म पूरी हमारी है, तो ये लोगों को सरप्राइज देगी कि ऐसी इंडिया में फिल्म बनी है.
मतलब ये सबको सरप्राइज देगी, किसी ने सोचा नहीं होगा इतनी अच्छी फिल्म इंडिया में बन सकती है। Thank you, first of all. And my expectations, I think everyone's feeling it. We've made a really damn good film, and we're all excited for it. And we're all looking forward. I still haven't seen the film. John's seen it. But I just knew from the time we were making it that, you know, this is, and from what little I've seen, and the conviction also that, you know, Laksh has, I'm excited. And I think, you know, we've got something really amazing and very, very special, especially it being so unique. So, yeah. Expectations are high. John, I noticed a poster says, everybody has noticed this, Attack Part 1. So obviously we know there's a Part 2 in the making. When y'all announce before a movie has already released that this is Part 1, there is any pressure, there is at least an anxiety, because sequels usually come when a movie is successful. That's how the industry works. So is there any pressure that this needs to be it, or y'all are so confident that y'all are completely sure this is going to be it? So I'll tell you what we're confident about. So to answer your first question, we intend to make a part two. We've got a script ready, but we can't comment on when we want to get going with it. Now, talking about the commercial success, you know, you can only decide to make a part two when your studio partner is on board. So I brought this question up with Jayanti bhai. I said, Jayanti bhai, hum log ne decide kiya ki hum log part 2 kar rahe hain. Pehle part 1 ko release to hone do. You know, that's the normal this. He said, chalo ek kaam karte hain hum log, John. Hum log pehle part 2 ka sign kar lete, uske baad attack part 1 release karte hain. That was his level of confidence. So I don't know about the commercial success or failure of this film. I'm being honest. I'm not a trade expert. I'm not a reviewer. I don't understand this. But I can tell you one thing on record. We made a very, very good film. Very good film. And it's a very different film. So in management, there's a saying, the higher the risk, the greater the profit. So I think it's always important to...